भाई बाबू ठीक है, खराब लगेगा कि हाथ में मिलेगा ना, खराब क्या लगेगा, रो मत ना, घूमने जा रहा है, घूमने जा रहा। नहीं हम पूछ रहे हैं यहाँ से मोनेस को कितनी दूर है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर नीचे जाना पड़ेगा भाई। ओके सरप्राइज, ये देखो छोटे छोटे लामा जी। नहीं छोटेगा आप, मैं अंदर आ सकता हूँ, मैं अंदर आ सकता हूँ। तो आज का इस वाले सफ़र का ये लास्ट ब्रेकफास्ट है हमारा सनी भाई, और वहाँ पर दीदी हर वक्त जैसे बिजी रहते हैं, आज भी सेम टू सेम बिजी है। दीदी का भाई और ये गुड़िया अरोरा आरुष, चलो ब्रेकफास्ट कर लेते। बहुत प्यारा बना है हर दिन की तरह। हेलो दोस्तों, जय जगन्नाथ, स्वागत करता हूँ इस अरुणाचल ट्रिप में। आज ये चौथा दिन हम सेम प्लेस पे, तो आज समय फाइनली हो चुका है यहाँ से आगे तक जाने का, नहीं तो हम यहाँ पर रुक जाएंगे। और अभी भी हमें मन करे कि यहाँ पर रुकने का है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है, मन ही नहीं भरेगा क्योंकि ये प्लेस देखिए आप बहुत ही प्यारा है। तो बाकी सुबह उठ के हम सबसे पहले दीदी के पास जाके हमने ब्रेकफास्ट कर लिए, ब्रेकफास्ट ख़त्म करके अभी समय है सारा चीज़ों को पैक करना है, पैक करके हम बाकी निकल जाएंगे। I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird. तो भाई लोग पैक वगैरह सब कुछ हो चुका है फाइनली, आधा घंटा लगा हमें क्योंकि सब इधर उधर बिखरा हुआ था। और ये जो जगह है हमने साफ भी कर दिया क्योंकि अच्छा नहीं लगता, हम जहाँ पर कैंपिंग करते हैं उस जगह अगर ऐसे छोड़ देंगे तो बाकी जितने सारे ट्रैवलर है उन सबको गाली देते हैं। तो बाकी चलते हैं आगे, बहुत ही अच्छा दिन रहा हमारे यहाँ पर। चलो गुड़िया, ठीक है। चलो हम चल रहे, अब ध्यान रखना, अच्छे से रहना, ठीक है, आते वक्त मिलते हैं। हम लिफ्ट चला जाएगी, यहाँ पर बहुत सारे गाड़ी आ रहे हैं, हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या लग रहा अपना दीदी? थैंक यू सो मच सारा चीज़ों के लिए, इतना सारा प्यार के लिए। ओए क्या लग रहा अपना श्रेया भाई बाबू, ठीक है, खराब लगेगा कि हाथ में मिलेगा ना, खराब क्या लगेगा, रो मत ना, घूमने जा रहा है, घूमने जा रहा है, चेक पोस्ट में आराम से। भाई तो बाकी दोस्तों और जो यहाँ के लोकल दोस्त थे हमारे भाई बन गए थे, वो लक्की भाई, मानू भाई और अनुप भाई, आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो भाई हाँ बहुत मिस करूंगा आप सब लोगों को, बहुत अच्छा लगा। और अगर यहाँ आने का अगर मौका मिला फिर से तो ज़रूर आपसे मिल के जाएंगे। तो चलते आगे और हमारा हिचहाइकिंग जर्नी शुरू करते हैं। सच बताओ हम लोग घूमने निकले हैं, ट्रैवलर निकले, बट हम यहाँ पर एक परिवार बना के चले गए और बच्चे सब रो रहे थे, मैंने वीडियो में इतने कवर नहीं किया, बच्चे रो रहे थे, पर एक अटैचमेंट दिन भर हमारे साथ ही थे दोनों बच्चे, आरुष घूम रहे थे हम लोग कंधे पे लेके, आरुष और श्रेया। दोस्तों हम जमेरी से बॉमडीला हिचहाइकिंग करके आ चुके हैं, अराउंड 30 से 40 किलोमीटर के आसपास होगा। और हमें यहाँ पर हिचहाइकिंग, हमें यहाँ पर ये देख सकते हैं इस जगह पे हमें छोड़ा है, और क्योंकि ये एक बाईपास है, ये आगे की तरफ जाता है तवांग का रोड, और यहाँ से लेफ्ट वो जो आपको बोर्ड दिख रहा होगा बॉमडीला टाउन लिखा है, वहाँ से लेफ्ट लेके जो गाड़ी जा रहा है वहाँ से हमें अंदर तक जाना है। और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पर एक मॉनेस्ट्री भी है, हम वहाँ पर जाएंगे, जाने की कोशिश करेंगे अभी थोड़ा, क्योंकि सेंसिटिव चीज़ें हैं, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम है तो लोग ज़्यादा इतना बाहर निकल नहीं रहे, इतना हलचल नहीं दिख रहा है, बट जो भी है चलते हैं। और यहाँ पर आते ही ठंड बढ़ गया भाई, काफ़ी ठंड लग रहा है, मैं तो जैकेट पहन लेता हूं, मैं बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड है ना। हाँ ये भाई हम पूछ रहे हैं यहाँ से मोनेस्ट्री कितना दूर होगा? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर नीचे जाना पड़ेगा भाई, नीचे। ओके ओके चलो, आपका नाम? नीचे ही ऊपर साइड में आपको सीधा जाके राइट लेना पड़ेगा, यहाँ से राइट लेना पड़ेगा। ओके ओके ठीक है। आपका नाम क्या भाई? सगीफ। सगीफ, मेरा नाम अभिजीत है भाई, बात करके अच्छा लगा सगीफ भाई, ठीक है, थैंक यू, वेलकम। तो चलो सगीफ भाई ने इसकी बोले कि हमें नीचे की तरफ यहाँ से 3 किलोमीटर
हाँ जाना है वहाँ पे, कुछ हमारे सामने लामा जी जा रहे हैं, उनसे बात करते हैं, अगर वो भी शायद मोनेस्ट्री की तरफ ही जा रहे हैं तो पूछ लेते और चलते। पीछे आप जो देख रहे हो ये स्टूडेंट है, ये लोग भी हम जहाँ पर मोनेस्ट्री भी जा रहे हैं ये लोग वहीं पर जा रहे हैं, तो अच्छी बात हुआ। और आपका नाम क्या बोले? तेंजिन। तेंजिन और तेंजिन, और आपका नाम क्या हुआ? प्रेम सिंह। प्रेम थिले। तो भाई साहब हम मोनेस्ट्री के अंदर आ चुके, पीछे देख रहे हो बहुत से लामा लोग, वो लोग खेल रहे बहुत से, और उन लोगों से हमने परमिशन ले लिए कि हमें कैंप का जगह दे दीजिए प्लीज़। तो उन्होंने बहुत प्यार से, बहुत ही फ्रेंडली है लोग। और थोड़ी देर पहले हमने क्रिकेट भी खेले थे, आपने देखे होंगे। ये देखो अभिजीत भाई को लामा लोगों के साथ खेलने का चांस मिला है, क्योंकि वो पहले बॉलिंग किया था और उन्होंने विकेट ले लिया एक उनका। शॉट। और तेंजिन, हाँ ठीक है अब आ जाओ जल्दी। और तेंजिन हमारा दोस्त, और हमें यहाँ पर परमिशन मिला है कैंपिंग के लिए, तो चलते सबसे पहले हम कैंप को लगा देते हैं, क्योंकि टाइम हो चुका है 4:30 और आधे घंटे बाद अंधेरा छा जाएगा। पहले कैंप लगा लेते हैं और उसके बाद अगर अंधेरा थोड़ा, तो अगर लाइट रहेगा तो आपको दिखाएंगे सर, नहीं तो कल सुबह आपको दिखाएंगे। पहले कैंप लगा लेते हैं। तो भाई टेंट तो हमने लगा चुके हैं, और टेंट में सबसे पहले बहुत सारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे लामा जी उसके अंदर है, आपको दिखाते हैं। ये देखो एक लामा जी है, और अंदर सरप्राइज, ये देखो छोटे छोटे लामा जी है। नहीं छोटे का आप, मैं अंदर आ सकता हूँ, मैं अंदर आ सकता हूँ, देखो ये आ सकता हूँ। हेलो लामा जी, आपका नाम क्या है? तेंजिन गोम्बोय। तेंजिन गोम्बोय, आप यहाँ पर रहते हैं, आपका घर कहाँ पर? मेरा घर जुतांग में। जुतांग में, अच्छा अच्छा अच्छा। चलो देखो टेंट अभी पता नहीं फोड़ देंगे लग रहा है, अंदर फाइट चल रहा है, देखो अंदर फाइट चल रहा है, फाइट चल रहा है अंदर। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, फाइट चल रहा है, हमला हो रहा है, हम भी आ गए अंदर, और एक लामा जी अंदर। लामा जी आपका नाम बता दीजिए एक बार, आ जाओ आप। ठीक भाई, नहीं मारपीट नहीं करते, मारपीट नहीं करते दोस्तों। और हम 5 बजे के आसपास है, और हम ये रहा सामने वो रहा मोनेस्ट्री, और यहाँ पर हमने क्रिकेट खेले थे, और यहाँ पर जो दुकान है दुकान की वहाँ पर हम चाय इन्जॉय कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ठंड पड़ चुका है, क्या आप देख के आपको पता चल रहा होगा। तू अकेले खा, उसको मत बोलना। कौस किसको बिस्किट दे रहा है और बोला तू अकेले खा और उसको मत बोलना। साथ वाले डॉगी को नहीं, वो लोग भी थे यहाँ पे, सबको देंगे तो हम क्या खाएंगे भी? वही ना, हम ठहरे बजट ट्रैवलर। और भाई तू समझा कर, हम बजट ट्रैवलर हैं, हमारे पास इतना नहीं होता, वो क्या बोलते उसको, मनी धन दौलत वो सारी चीज़ें नहीं होता, सौरत नहीं है अपने पास। हम तू जो सोच रहे हम ट्रैवलर है वैसा वाला, हम वैसा वाला ट्रैवल नहीं है भाई, हम खुद मांग के खाते हैं, हम खुद तेरे से मांग के खाते हैं। तो खाना हमारा आ चुका है, यही मिलेगा यहाँ पे पहाड़ के ऊपर, आपको दाल थोड़ा सा भाजी और सलाद, और सनी को चाहिए मोमो वाला चटनी चावल के साथ। चलो शुक्रिया आंटी, थोड़ा सा ध्यान से खाना कि सुबह में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा अच्छा, आप ज़्यादा खाते हो इसको? खाना टेस्ट करते हैं कि लगातार 3 दिन से हमारा लत लग चुका है दीदी की वजह से, कि दीदी हमें वहाँ पर खिला रहे थे गर्मा गर्म। अच्छा खाना, अच्छा खाना, दीदी का खाना बहुत मिस कर रहे हैं हम। भाई ये जो मिर्ची है ना मोमो वाला, ये मिर्ची नहीं है भाई, फायर है, फायर सच में। बॉडी इतना ठंड लग रहा था और बॉडी पर गर्म हो चुका है मेरा, शायद वो होगा किंग चिल्ली होगा। किंग चिल्ली नहीं, वो जो बताया था ना ऊपर वाला साइड में इतना होता वाला, ये लोकल लोकल वाला, ये कुछ लोकल वाला भैया ने बताया ना चिल्ली से। हाँ हाँ, थोड़ा ध्यान से खाना, ये लोकल वाला चिल्ली खतरनाक है, वो तो गर्म लग रहा है। खाए किसकी वजह से? तेरी वजह से। तो भाई खाना खा के आ चुके, पड़ाके इतना ठंड पड़ रहा है ना, मैं क्या बताऊँ,
हाथ जम रहे हैं लिटरली, अपने कोट पुट सब कुछ फट चुका है। तो हमने जो आपने देखे थे यहाँ पर हमने कैंपिंग किए थे, ये जगह हम परमिशन लेके जो ये रहा जो गेस्ट हाउस है उसके नीचे वहाँ पर पार्किंग एरिया है वहाँ पर हम वो जो आगे देख रहे ये जो जगह है वहाँ पर हम कैंपिंग करेंगे। तो इसको फिर से हमें एक कैंप को हम शिफ्ट कर रहे हैं, देखिए कौशिक और सनी भाई। तो चलते भाई, ये पहली बार अरुणाचल में, हमने नहीं सोची थी इतना ठंड पड़ेगा भाई, नेक्स्ट लेवल ठंड पड़ रहा है, 7 डिग्री के आसपास है भाई, समझ सकते हैं। हमारे पास इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं है, हमारे पास जो स्लीपिंग बैग है वो 10 डिग्री सेल्सियस का है, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। चलो रात को यहाँ पे टेम्परेचर 7-5-6 भी मतलब ऐसा चला जाता है, 5 तक चला जाता है। चलते लेके चलते भाई। तो फाइनली हमने कैंप पिच कर दिए और ऐसा कुछ अंदर का नज़ारा है, और ये वाला लाइट हमने गुवाहाटी से लेके आए थे, बहुत अच्छा है कैंप लाइट। बाकी दोस्तों ये जो मॉनेस्ट्री है हम जहाँ पर रुक रहे हैं ये बहुत ही प्यारा है, कल सुबह आपको सही तरीके से आपको दिखाएंगे। तो बाकी सो जाते हैं, आशा ही करते हैं कि रात को ठंड और ज़्यादा नीचे ना घटे। तो बाकी दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर, बाय बाय।